हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम साइंस के एक सब्जेक्ट की। होम साइंस की जो पांच ब्रांचेस हैं उसमें एक ब्रांच है चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के कंसेप्शन से अडोल्सेंट तक जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस से होता है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हम बात करते हैं द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड इज़ इफेक्टेड बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या अगर हम बिहेवियर या फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी इंसान का, किसी भी बच्चे का, वो कैसे डिसाइड होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो ना तो पूर्णतः हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से, ना तो पूर्णतः जो है वो पर्यावरण से या इन्वायरमेंट से डिसाइड होगा। तो बेसिकली होता कैसे है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो जो बिहेवियर यानी जो आउटकम निकल के आता है, जो जो जैसा दिख रहा है, जिसका जैसा व्यवहार है, जो जैसी हरकतें कर रहा है, वो किसका इम्पैक्ट होता है, वो उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हेरिडिटी, हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी मेक्स अ बायोलॉजिकल बाउंड्री फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब हेरिडिटी जो होता है वो हमारे डेवलपमेंट की एक बायोलॉजिकल बाउंड्री तय करता है ना। उस हेरिडिटी के बाहर जाना मुश्किल है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। जितनी हमारी हेरिडिटरी बाउंड्रीज है उसी के अंदर ही डेवलपमेंट होना है। लेकिन उसके साथ साथ उस बाउंड्री के अंदर होने वाले डेवलपमेंट जिनको हम ट्रेट्स कह सकते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारी हैबिट्स, जिनको हम बार बार, जो आदत जो हमारी बार बार होती है उन्हीं को, जो हमारे शील गुड, ट्रेट्स हिंदी में शील गुड होता है, तो अपनी वो आदतें जिनको हम बार बार करते हैं वो हमारे ट्रेट्स में चेंज हो जाती हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ट्रेट्स आर डेवलप्ड इन द बाउंड्रीज, कौन सी बाउंड्रीज, वो एक बायोलॉजिकल बाउंड्री की बात कर रहे हैं जो कि हेरिडिटी से ने बनाई हुई है, हेरिडिटी से बनी हुई है। और वो ट्रेट्स जो कि उस बायोलॉजिकल बाउंड्री के अंदर जो ट्रेट्स बन रहे हैं वो भी किससे अफेक्टेड है, वो भी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सब कॉम्बिनेशन में मिल के फाइनली क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का को डिसाइड करते हैं। Then it can be said that the human behavior is decided by the interaction of the heredity and environment. अब हम बात करते हैं principles of development की। तो हमने देखा कि development जो होगा वो, या human behavior जो होगा वो, जाहिर सी बात है कि human behavior या humans में जो development हो रहा है वो heredity and environment दोनों का interaction होगा। तो अब हम principles of development की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि principles of development जो है वो 10 प्रकार के दिए गए हैं, 10 प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के। पहला जो है वो डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, तो इसमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस आर इन्वॉल्व। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि जैसे 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 बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसमें सीखने की क्षमता में परिवर्तन होता है, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन होता है, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि होते हैं। ये सब क्या होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन या क्वालिटेटिव। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझें तो जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर किसी की सोचने समझने की क्षमता में बढ़ रही है, कोई रीजनेबल है, कोई लॉजिकल है ना, तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस। आप इसको मेज़र काउंट नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट काउंटेबल। आप उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, सीधी सी बात है कि आप इसको काउंट कर सकते हैं, है ना, जैसे हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, जो कि आप काउंट कर सकते हैं, जो कि आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। तो डेवलपमेंट इट्सेल्फ इन्वॉल्व चेंजेस, डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ऐसा कहते हैं कि जो अर्ली डेवलपमेंट है, और ये सच बात भी है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है यानी इनिशियल, अर्ली का मतलब यहाँ पर है इनिशियल स्टेज से, मतलब आफ्टर बर्थ या बर्थ के पहले ही, प्री नेटल पीरियड की अगर हम बात करें तब, और पोस्ट नेटल में भी
छः साल तक, 5 से 6 साल तक का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे की पूरी लाइफ जो है वो डिसाइड होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर कोई बच्चा इनिशियल ईयर में यानी कि पोस्ट नेटल लाइफ में ही अगर मालनरिश्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका फिजिकल एज वेल एज मेंटल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इफेक्टेड होता है। ये इफेक्ट उतना क्रिटिकल नहीं होता है बाद के इस टाइम में, जैसे किसी को बाद में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर अर्ली लाइफ में ये ज़्यादा क्रिटिकल होता है। फिर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कॉम्बिनेशन से मिला जुला रूप है किसका, मैच्योरेशन का एंड लर्निंग का। यानी एक स्टेज आएगी जिस पर हमें उस काम के लिए या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए मैच्योर होना पड़ेगा, और मैच्योरेशन के साथ साथ अगर हम उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उस चीज़ उस टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और हमारा डेवलपमेंट उस तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे कि साइकोलॉजी, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि जैसे प्रीनेटल पीरियड में मैच्योरेशन का महत्व ट्रेनिंग या सीखने से अधिक होता है ना। जब हम प्रीनेटल लाइफ में होते हैं तो वहाँ पर लर्निंग का कोई इतना नहीं होता है, वहाँ पे मैच्योरेशन का ही होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ तो कुछ वो लर्न नहीं करता है। तो जो जो भी डेवलपमेंट, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किससे आते हैं, सिर्फ मैच्योरेशन। जब वो टाइम पीरियड आता है 3 महीने में ये होना है, 3 महीने में हार्ट डेवलप होगा, हार्ट बीट स्टार्ट होगी, हो जाएगा, है ना। 5 7 मंथ में ये होना है तो हो जाएगा, 9 मंथ में हो जाएगा, उसमें कोई लर्निंग वाली चीज़ नहीं है, वो मैच्योरेशन होता है जिस जिस टाइम पर जो जो चीज़ें होनी है। लेकिन जब बच्चा पोस्ट नेटल पीरियड में आता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल का हुआ तो वो क्रॉलिंग करेगा, अगर वो 5 साल का हुआ तो दौड़ेगा। ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, कहीं ना कहीं लर्निंग पे भी डिपेंड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सिक्वेंशियल होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पोस्ट नेटल लाइफ में जो होता है, इसके समय में बच्चों का शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट दो प्रकार के नियमों से संदर्भित होता है। दो प्रकार के नियम जो है वो इस पे अप्लाइड है। पहला है सिफेलोकोडल लॉ और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिजिटल लॉ। तो इसमें हम देखते हैं सिफेलोकोडल लॉ जो है ये कहता है कि बेसिकली इसमें शरीर विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सिफेलस हम सर को बोलते हैं, ब्रेन को बोलते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा किस डायरेक्शन में होता है, सर से पैर की ओर। इसका मतलब जो सबसे पहले डेवलपमेंट होगा जिसमें, वो क्या है, हमारा हेड। ऐसा जनरली होता भी है कि जो बच्चों का सर है वो ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू होल बॉडी। और सबसे कहते भी हैं कि 5 साल तक जो है जो ब्रेन है वो पूरा 90% डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहला डेवलपमेंट कहाँ होगा, सर में होगा। फिर धीरे धीरे स्टमक में, हार्ट में, होते होते सबसे लास्ट में कहाँ होता है, पैर में। इसी वजह से बच्चा सबसे लास्ट में चलना और दौड़ना सीखता है, बाकी चीज़ें उसकी पहले डेवलप होती हैं। और दूसरा जो लॉ है वो क्या कहता है, प्रॉक्सिमो डिजिटल में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होगा वो सेंटर से पेरिफेरल होता है। सेंटर से पेरिफेरल का मतलब कि पहले सेंटर की चीज़ें ज़्यादा डेवलप होती हैं, जैसे बच्चों के शोल्डर पहले हिलने लगते हैं, आर्म पहले हिलते हैं, नीज पहले वर्क करती हैं, और सबसे लास्ट में आते आते जो है वो जो है सबसे लास्ट में आते आते जो है वो हाथ या हैंड की जो पोज होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हाथों की उंगलियां हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ड्राइंग करना, ये बच्चे लास्ट में बहुत सीखते हैं। लेकिन इसके पहले वो क्या करते हैं कि बड़ी चीज़ों को पकड़ना पहले सीख लेते हैं, उनके रिस्ट पहले काम करने लगती हैं, अपने कंधे पहले हिलाने लगते हैं, है ना, शोल्डर्स पहले मूव करने लगते हैं। तो ये सेंट्रल टू पेरिफेरल का एग्जांपल होता है। अब हम देखते हैं चौथा जो है वो डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रिडिक्टेबल। तो जाहिर सी बात है प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप पहले से बता सके। तो जो भी डेवलपमेंटल पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप पहले से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 1 साल में बच्चा चलेगा, ये चीज़ पता है, दांत कितने दिन में निकलेंगे उसके, ये सब चीज़ें पता है। तो प्रिडिक्टेबल है कब क्रॉलिंग होगी, कब वो जो है कब जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में कब जो है वो कुइंग करेगा, कब बाबलिंग करेगा, कब क्राई, कब जो है बोलना सीखेगा, कब सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, ये सब थोड़े थोड़े प्रिडिक्टेबल है, मतलब पता होता है अप्रॉक्सीमेट इस एज में ये करेगा। तो हाँ, हो सकता है कि बच्चा डिले करे थोड़ा बहुत, लेकिन करता उसी एज में ही घूम फिर के। तो प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि प्रिडिक्टेड है पहले से ये चीज़,
कि वो उस एज में आके यही काम करेगा। फिर हम देखते हैं कि देर आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। हालांकि हमें पता है कि किस एज में बच्चा क्या काम करेगा, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जैसे पता है कि एक साल में बच्चा चलेगा, लेकिन सारे बच्चे उसी तरीके से नहीं चलेंगे, उनके अपने काम करने के तरीके में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो फिर हम देख रहे हैं देर आर पीरियड इन द डेवलपमेंट पैटर्न, शायद ये पांचवा वाला पॉइंट छूट गया है, तो डेवलपमेंटल पैटर्न्स इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैज प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेवलपमेंटल पैटर्न में प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं सभी बालकों में एक उम्र या अवस्था में एक समान ढंग का विकासात्मक पैटर्न देखने को मिलता है। ये सीधी सी बात है, प्रिडिक्टेबल है। उसके बाद फिर एक दूसरी अवस्था आती है, जैसे सामान्यतः बालक चलना प्रारंभ करने से पहले अपने पैर पर खड़े होने की अनुक्रिया करते हैं। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि जनरल रिस्पॉन्सेस से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस की ओर होता है, जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं। जैसे जन्म के कुछ दिनों बाद बालक में पहले हाथ पैर फेंकने की प्रक्रिया होती है, जो एक सामान्य अनुक्रिया है, परंतु बाद में वह विशिष्ट क्रिया, जैसे सामने रखी गई वस्तु को पकड़ने की प्रक्रिया में बदल जाती है। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया जो होती है वो कंसेप्शन से मृत्यु तक सतत होती है, परंतु इसकी रफ्तार कभी तेज कभी धीमी होती है। इसी को हम कहते हैं कि प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके से डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैज प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात कर रहे हैं देर आर द पीरियड इन द डेवलपमेंटल पैटर्न। जो भी डेवलपमेंटल पैटर्न है उसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, एडोल्सेंट तक जितने भी डेवलपमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्शन प्रीनेटल जो होता है, मैं सभी को पता है, कंसेप्शन टू बर्थ यानी जब से गर्भ धारण होता है और जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक। इन्फेंसी जो होता है वो 0 to 14 days तक का होता है। बेबीहुड जो है वो 14 days से 2 years तक का होता है। चाइल्डहुड जो है वो 2 years से 12 years तक का होता है। और अडोल्सन जो होते हैं वो 13 से 16 year के होते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा 8th पॉइंट है, ईच डेवलपमेंट पीरियड हैज़ सम एक्सपेक्टेशंस। जाहिर सी बात है कि जो जितने भी डेवलपमेंटल पीरियड जो मैंने ऊपर आपको बताए, इन सब के अपने कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस है। सोशल एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये पहले से डिसाइडेड है कि इस एज में या इस पीरियड में बच्चा यही काम करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंसी में वो खड़ा होगा, थोड़ा पकड़ के चलना सीखेगा, कुछ सॉलिड खाना सीखेगा, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड है। बेबीहुड में क्या करेगा, कुछ थोड़ा वो चलने लगेगा, इंडिविजुअल चले अलग अलग चलेगा, बिना किसी सहारे के चलेगा, या कुछ बैबलिंग करेगा, कुछ कुछ सेंटेंस बोलेगा, या सेंटेंस तो नहीं, वर्ड्स कुछ बोलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें पहले से प्रेडिक्टेड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन। और ये कहाँ तक होती है, पूरा एडोल्सेंट एज तक और इवन अडल्ट तक भी होती हैं। तो हम देखते हैं कि 6 साल का बच्चा ये काम करेगा। इसी बेसिस पे जैसे जो कोर्सेज भी बनते हैं, जो सिलेबस बनाए जाते हैं, वो भी इसी सब तरीके से डिसाइड होते हैं। क्योंकि जैसे 3 का बच्चा कितना पढ़ सकता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना है, 4 क्लास का बच्चा कितना पढ़ सकता है, 2 साल के बच्चे कितना कर सकते हैं, 7 साल का बच्चा, 10 साल का, 15 साल का, तो उसके बेसिस पे, क्योंकि उनकी सोशल एक्सपेक्टेशन वो है कि आपकी एज में इतना डेवलपमेंट हो जाता है, आप इसको ग्रेस्प कर सकते हैं, तो इस वजह से वो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उसी को हैवी क्रिस्ट ने डेवलपमेंटल टास्क बोला है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो है प्रिंसिपल, वो है एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट हैज पोटेंशियल हजार्ड्स। सीधी सी बात है कि जितने भी डेवलपमेंटल एरिया हैं, सबके अपने कुछ ना कुछ हजार्ड्स होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी विकासात्मक पैटर्न समान होते हुए भी बालकों में कुछ इस प्रकार के कारक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विकास के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है और बालकों का विकास मंद पड़ जाता है। इसमें कुछ कारक जो हैं वो इन्वायरमेंटल होते हैं, जैसे उचित तथा प्रोत्साहन देने वाला वातावरण ना मिलना, तथा कुछ कारक बालक के भीतर में होते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अविकसित होना। तो ये कुछ हजार्ड्स हैं। फिर हम देखते हैं हैप्पीनेस वेरीज एट डिफरेंट पीरियड इन डेवलपमेंट। इसमें हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडीज़ की और इसमें यह पता लगाया कि बेबीहुड यानी बचपनावस्था में, जो करीब 2 हफ्ते से 2 साल तक की होती है, सबसे अधिक सुख शांति का समय होता है। चाइल्डहुड की अवधि, जो
साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है, बालक तुलनात्मक रूप से अधिक खुश नजर आते हैं। पौढ़ावस्था अडल्ट का काल सबसे अशांत और अप्रिय होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह की नई नई जवाबदेही व्यक्तियों के कंधों पर आ जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है वो वैरी कर रही है एट डिफरेंट पीरियड इन द डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को पूरा कवर कर लिया है, जो 10 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।